घात लगाए अपराधियों ने परिवार वालों पर किया जानलेवा हमला। मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के बजडाही गांव के रहने वाले राजेश शर्मा एवं उनके परिवार वालों पर जानलेवा हमला मगध मेडिकल गेट के समीप किया गया। मालूम हो कि पूर्व से जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, लेकिन कोलकाता से आए पति पत्नी एवं बच्चे के साथ घर जाने के क्रम में रास्ते में गाली गलौज करते हुए असामाजिक तत्वों ने किया मारपीट। पीड़ित व्यक्ति ने मगध मेडिकल थाना को आवेदन देकर कार्रवाई के लिए मांग की है। आए दिन गया शहर में लाइन एंड ऑर्डर पुलिस तरह ध्वस्त होता जा रहा है और पुलिस प्रशासन सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने से बाज नहीं आ रही है। समाज में रहने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चलती राह में आम लोगों के साथ मारपीट करना पुलिस की दैनिक गश्ती व सुशासन का पोल बिहार में खोलती जा रही है। मैंने हम कलकत्ता से कल रात मैंने सुबह उतरे हैं सर, तो इन लोग के पास गए दोपहर में, तो पता चला कि इन लोग नहीं है, तो फिर शाम को गए 8 बजे, हाँ साढ़े आठ मैंने वही 8 बजे के लगभग गए सर, तो पता चला कि आया है, तो पूछने के लिए गए कि मैं मेरे साथ में मैं इसे क्यों कर लिया जा रहा है, क्योंकि मेरा जमीन है तो तुम लोग क्यों ऐसे बेच रहे हो। तो वही सब तीनों मैंने पूरा पीले खाई था, पी रहा था सर बैठ के, तो उसी में शराब पी रहा था, पूरा शराब में धुन था सर, पूरा शराब तो बंद है बिहार में, शराब पूरा धुन था सर, एकदम मैंने जी पूरा पीले था सर, और वही में सरवन ठाकुर बोला कि देखो देखो रंडी आ गई है से गाली गलौज देने लगा, गाड़ी गलौज मैंने गंदा गंदा गाड़ी सर, और जो पवन ठाकुर है मेरा मैंने ऐसे मैंने इतना मैंने गंदा मैंने मुंह से बोला नहीं जाता सर कि इस तरह से इसको करो बलात्कार करो इस तरह से मैंने बोला है, और उस तरह से मेरे साथ मैंने धोती धोती पूरा करने लगा, तो उसी में गिरे हैं, पूरा साड़ी उड़ी खुल गया था सर, मेरे बच्चे दोनों मैंने माँ को बचाने के लिए सर लगा, तो कुछ के उन लोग को भी मारा गया है मैंने लगा है, और उसका लड़का मेरा फिर पूरा कमर पर भी मारा है और फिर मुका से भी छाती पर मारा। थाना में आवेदन दिया है ना, क्या नाम है आपका? गीता सर। कहाँ रहते? तो सुबह कलकत्ता से ना कलकत्ता से हम लोग जब लौटे तो पूछने के लिए सर पूछने के लिए उनके पास गए। क्या पूछने गए थे? पूछने गए कि हमारा जमीन गलत तरीके नाजायज तरीके से तुम क्यों बेच रहे हो सर। इतने में लोग जो है ना वो लोग एक्शन में आ गया, एक्शन में आके अब मारपीट शुरू कर दिया। आपके जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग? नहीं, बेच दिए हैं। तो थाना में दिए हैं आवेदन? थाना में आवेदन दिए हैं सर, थाना में आवेदन दिए, न्यायालय वगैरह में भी दिए हैं, न्यायालय में कोर्ट केस भी किए हैं सर। अच्छा, तो डीड कैंसिल कराने का सारा प्रक्रिया। तो कल क्या घटना घटी? कल घटी कि हम लोग जब बोलने गए तो हम लोग सोचे कि पूछते हैं भाई कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो गलत चीज है, लेकिन वो पूरा एक्शन रिएक्शन में आ गया। अब मेरी पत्नी के साथ ना ऐसा दुर्व्यवहार किया कि कहने में शर्म आ रही है, उनकी साड़ी वाड़ी खोल दिया, ब्लाउज व्लाउज फाड़ दिया, हम जब बचाने गए फूल शराब के नशे में था, और मेरा भी बचाव करने गए थे, मेरा शर्ट फट गया उसी में। तो थाना तो बगल में ही है। थाना में ना थाना में गए सर कल रात को, ना कल रात को शिकायत दर्ज करवाए हैं भाई एप्लीकेशन वो FIR के लिए। क्या क्या आश्वासन मिला? वो लोग तो बोले ठीक है FIR दर्ज कर ले रहे हैं, और भैंस वो लोग ना सर वो लोग हमको लगता है कि थाना प्रभारी ऐसा नहीं हो कि उससे मिली भगत होके काउंटर केस नहीं करवा ले वो लोग से, समझे ना सर? ऐसा भी आपको लग रहा है? हमको थाना पे विश्वास नहीं, क्यों विश्वास नहीं है कि ये लोग जो है ना 6-9 को जो हम दिए थे उसका अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक दिन खाली जाके फॉर्मेलिटी गांव में कर लिए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग तो सोचे हैं कि अगर नहीं इधर से कार्रवाई होता तो SSP महोदय से जाके मिला जाएगा पत्नी को लेके, क्योंकि असुरक्षित है तो आखिर क्या करेंगे, ये बिहार में पूरा जंगल राज है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इस जंगल राज में आखिर देखिए हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाता है कि नहीं। पर्चे दीजिए, पर्चे। जान मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, अब मैं फिलहाल कलकत्ते में रहता हूँ सर, और बैराही में मेरा जन्मभूमि है, यहीं जन्मा हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई किया।